आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, ऐसे बिहेवियर के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे एक रिश्ते में ट्रस्ट बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है, सामने वाले का विश्वास बढ़ता है। तो कौन से हैं वो काम जो आपको करने चाहिए जिससे आपके रिश्ते में भरोसा बढ़ने लगेगा। चलिए करते हैं इसी बारे में बात। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है टाइम देना सीखिए अपने पार्टनर को। जहां पर टाइम नहीं दिया जाता वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसके वजह से ट्रस्ट भी टूटता है। इसलिए एक इंसान को जानने के लिए, समझने के लिए, उसे मौका देने के लिए कि वो आपको समझे, टाइम देना जरूरी है। एक रिश्ते में एक इंसान के साथ जितना ज्यादा आप टाइम बिताएंगे उतना ज्यादा उसका भरोसा आप पे बढ़ेगा। इसके साथ में जरूरी है कि आप खुलकर बात करें। जब आप अपना दिल खोलकर रखते हैं ना सामने वाले के आगे, तो वो इंसान ज्यादा से ज्यादा आपको जान पाता है, समझ पाता है। इससे उसका भरोसा भी आपके बारे में, आपके लिए बढ़ता है। रिश्ते में खुलकर बात करना सीखिए, अपने दिल की बातों को कहना सीखिए, बजाय इसके कि आप छुपा लें। मैनी टाइम ऐसे लोग होते हैं जिनको दिल की बात कहना नहीं आता, दे आर वेरी शाय, है ना। एंड आप शाय हो ठीक है, लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं सामने वाले को, उसे कैसे पता चलेगा? उसे बस ये एहसास होगा कि कुछ चीज है जो आप बता नहीं रहे। वो अपने आप ही अज्यूम करेगा, वो जानता है कि आप शाय हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये नहीं जान सकता कि आपके दिल में क्या है, तो वो जान ही नहीं पाएगा। ऐसे में ट्रस्ट की समवेयर कमी रह जाती है। तो ओपन टॉक करना, दिल की बातों को खुलकर कह देना एंड समय बिताना बहुत जरूरी है भरोसा पैदा करने के लिए, एक इंसान में, एक रिश्ते में। थर्ड चीज है कि अपने प्रॉमिसेस को निभाओ, कीप योर प्रॉमिसेस। कभी कभी हमारी आदत होती है ना, तो हम प्रॉमिस करते हैं निभाते नहीं है। इससे ये दिखता है कि हम झूठे हैं, हमारी बात पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, यही पता चलता है ना। और क्या, आपने मुझसे वादा किया था, आपने नहीं निभाया, मेरे लिए आप एक झूठे इंसान हैं। तो अपनी इमेज खराब होती है ऐसे फेक प्रॉमिसेस करने से। या तो प्रॉमिसेस करने से बचें, एंड जब करते हैं तो उनको निभाना सीखे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप अपने प्रॉमिसेस को निभाते हो तो इससे आप लोगों का, अपने पार्टनर का भरोसा जीतते हो। तो प्रॉमिसेस को कभी भी ब्रेक ना करें। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अपने पार्टनर को बुरे वक्त में कभी भी छोड़े ना, उसके साथ में खड़े रहे। जब आप अपने पार्टनर के साथ उसके बुरे वक्त में खड़े रहते हैं तो उसको एहसास करवाते हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले, उसको एहसास करवाते हैं कि आप भरोसेमंद इंसान हैं, आप मैदान छोड़ के जाने वाले इंसान नहीं हैं। इससे उसका प्यार तो बढ़ता है, ट्रस्ट भी बढ़ता है आपके ऊपर। सो जब भी आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, जब भी वो एक बुरे टाइम में हो, बी विद हिम, बी विद हर, जरूरी है। इससे आपके रिश्ते में भरोसा बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। एंड इसके साथ में अगली चीज है कि ट्रस्ट करना सीखो। आप ये तो चाहते हो कि आपका पार्टनर आप पे भरोसा करे, बट आप उस पर भरोसा नहीं करते, तो ये तो उल्टी बात हो गई ना। ऐसा नहीं चलता। आप जो चीज देते हो वो रिटर्न में आपको मिलती है, जो चीज आप दे नहीं सकते वो आपको मिल भी नहीं सकती। तो अगर आप सामने वाले का भरोसा चाहते हो तो उस पर पहले भरोसा करना पड़ेगा। जब आप किसी पर भरोसा करोगे ना, तभी वो आप पे भरोसा करेगा। आप सोचो, आप प्रॉमिसेस निभा रहे हो, वक्त स्पेंड कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं करते, तो सबसे पहले तो डाउट आता है कि यार ये खुद भी भरोसे लायक है, नहीं है। उसका ट्रस्ट आपके ऊपर से वहीं हिल जाता है जब आप उस पर भरोसा नहीं करते, जब आप उस पर शक करते हो। तो भरोसा जीतने के लिए सबसे पहला है भरोसा करना सीखो, भरोसा देना सीखो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रिस्पॉन्सिबल इंसान हमेशा भरोसे लायक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पार्टनर है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम आई, उसकी मम्मा बीमार हो गई, आपने पूरी जिम्मेदारी उठाई, मम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, घर पे लेकर आना है, उनकी देखभाल करनी है, मेडिसिन, आप वहां पर थे, आप एक जिम्मेदार बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बनकर उभरे हो उसकी नजरों में, यू आर रिस्पॉन्सिबल गाय ना हो, उसका भरोसा वहां बढ़ जाएगा आपके ऊपर।
ये सिर्फ परेशानी में खड़ा होना नहीं है, इसको कहते हैं किसी की जिम्मेदारी लेना। दैट यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अगर आप मेरी जिम्मेदारी हो तो आपकी फैमिली भी मेरी जिम्मेदारी है। मान लो उसको कोई डॉक्यूमेंट था जो सबमिट करना था, लास्ट डेट है कॉलेज की, सबमिट नहीं हो पाया, एंड आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं करूँगा, एंड आपने पूरा दिन लगा दिया, बहुत भाग दौड़ की, एट लास्ट आपने वो काम किया। इससे उसका भरोसा आप पे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जिम्मेदारी लेना सीखो। जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो इससे अपने पार्टनर का भरोसा गेन करते हो, जीतते हो। तो जिम्मेदारी लेना सीखिए। ये 6 काम अगर करते हैं, ये 6 बिहेवियर अगर आप करना शुरू करते हैं, तो इससे आपके रिश्ते में ट्रस्ट बहुत गहरा होता है। एंड जब ट्रस्ट गहरा होता है तो प्यार तो अपने आप बढ़ ही जाता है। होप आप अपने रिश्ते में ट्रस्ट लेकर आ पाओगे इस वीडियो की हेल्प से। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।